तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे पूरे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल अनीता दुबे हाउसवाइफ में। तो आप लोग प्लीज़ पहले कमेंट ये करिएगा कि आप लोग कहाँ देख रहे हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा हमें। तो चलिए आज चलते हैं, बच्चे का स्कूल में पीटीएम भी है और साइंस एग्जीबिशन भी है बच्चों का, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हमारा बच्चा नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा चंचल है और इतना दिमाग उस तरह का नहीं है। करेगा, अगले साल करेगा तो दिखाएंगे ज़रूर आप लोगों को नेक्स्ट में जो भी होगा। तो आज पीटीएम उन लोगों का है जो पिछले पीटीएम में रिज़ल्ट कलेक्ट नहीं किए थे, आज रिज़ल्ट कलेक्ट करने के लिए ही पीटीएम हो रहा है। और बाकी जिसको देखने जाना है, साइंस बच्चे जो साइंस का प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो वहाँ पे जो भी पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। तो आप लोग चलिए, आप लोगों को साथ में मैं दिखाती हूँ वहाँ पे कि बच्चे कैसे कैसे साइंस का सारा वो, और कैसे साइंस काम करता है, कैसे साइंस क्या है वहाँ बच्चे बताते हैं सारा। तो जितना हो सकेगा दिखाएंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। मैं लेट हो गई हूँ, सुबह मेरे हस्बैंड बोले चल लो, बट उनको जाना था ऑफिस, लेट हो रहा था, तो मैंने कहा आप चले जाइए, मैं बाद में चली जाऊँगी। और 9 to 12 PM तक बस उसका ये था, एग्जीबिशन भी और पीटीएम भी दोनों था। तो हम चलते हैं स्कूल में क्योंकि मेरा बच्चा मैम लोगों से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है, क्योंकि स्कूल में भी मिलता है फिर भी वो एक्साइटेड रहता है काफ़ी मिलने के लिए, मैम से मिलना है। और हिंदी वाली मैम उसकी बहुत फेवरेट हैं, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज रहता है, तो जाएगा मिलने के लिए सबसे। और हम भी चलते हैं, और मैं वहाँ पे आप लोगों के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन क्लास की वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। अच्छा नहीं लगता है कि मतलब इस तरह से हर जगह ओवर करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जहाँ ज़रूरत होता है ज़रूर ऐसे कैमरा दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ नहीं दिखा सकती। और दिवाली पर भी उसके स्कूल के सामने ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें मेला लग रहा है, झूले वगैरह का बहुत सारा। तो चलेंगे दिवाली में भी झूला झूलने के लिए, फिर दिखाऊंगी आपको। और फिलहाल आप चलिए स्कूल में चलते हैं, और आयु के साथ जा रही हूँ उसे तैयार होने, मैं खुद भी तैयार होंगी, उसे भी तैयार करूँगी, और स्कूल में चलते हैं, उसकी पीटीएम देखेंगे, और जो भी स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है साइंस का, बच्चे जो कर रखे हैं वो भी दिखाएंगे आपको, देखेंगे। तो लेट्स गो, चलिए हमारे साथ, अब हम चलते हैं तैयार होकर के, फिर आपको मिलते हैं। तो लीजिए आ गए हम बच्चे के स्कूल में। तो ये देखिए, ये इनका स्कूल है और यहाँ पे साइंस का प्रोग्राम हो रहा है, सारे बच्चे यहाँ पे पिक ले रहे हैं सबके साथ। दीदी भी इनकी आई है, देखिए हनुमान जी हैं, सारे टीचर इनके साथ पिक्चर ले रही हैं। अरे ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बना रखे थे, इतने प्यारे लग रहे थे हर चीज़ें, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हम काफ़ी लेट से पहुँचे हैं, ये देखिए काफ़ी, हमें नहीं पता था कि मतलब ये जो एग्जीबिशन हो रहा है इसका टाइमिंग भी 12 o'clock है। अगर हमें पता होता तो शायद हम बहुत जल्दी चले गए होते। ये बच्चे इतने फराकेदार इंग्लिश बोल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन कर के इन लोगों की बातें, छोटे छोटे बच्चे और इतने फराकेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। टीचर भी साथ में रहती थी इन लोगों के, बच्चों के हर जगह खड़े रहना, हर जगह बताते रहना। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये देखिए, ये मिट्टी के बनाए हैं बच्चे, कितना सुंदर है, इतना सुंदर हाथ की जो कहते हैं ना कलाकारी। और ये देखो टॉर्टल, तो मेरा बच्चा देख करके वहीं रुक गया, हिल ही नहीं रहा था, मम्मा देखना है। और यहाँ सब सबमिट कर रहे थे, तो मेरा बच्चा कह रहा मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो टॉफ़ी ले लिया। चलो यहाँ पर आए, और यहाँ पर देखिए ये बच्चे बना रखे हैं राम सेतु। राम जी जब लंका में गए तो सारे कंकड़ पत्थर कैसे तैर रहे थे, क्यों डूब नहीं रहे थे, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे राम नाम में कितनी शक्ति है कि एक पत्थर भी तैरने लगता है। ये बच्ची बहुत प्यार से समझाई कि हमें भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, कभी भी मन अपने भगवान से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग घूम फिर लिए, अब ये निकल रहे हैं घर के लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये बाहर जाने का रास्ता, हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाय बाय।